YouTube वीडियो में मैं डीके शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि हम MS Excel में सम इफ फंक्शन का यूज किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हम एडवांस एक्सेल और एक्सेल की जानकारी होना अनिवार्य है। हम किसी भी ऑफिस में यदि काम करते हैं तो हमें MS Excel आना ही चाहिए। उसके अंतर्गत हम आज की इस वीडियो में सम इफ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे हम क्या है बहुत सी चीजों को काउंट कर सकते हैं। जैसे क्या, यदि मुझे इसमें ये मालूम करना है कि जो अलीगढ़ वाले एम्प्लॉय है उन वो कितनी सैलरी कंपनी से प्राप्त कर रहे हैं, तो हम सम इफ की सहायता से निकाल सकते हैं। सम माने जोड़ना, इफ माने यदि। यदि कौन? अलीगढ़ वाले, सही है। जैसे आगरा वाले का मुझे टोटल करना है कि कंपनी आगरा वाले एम्प्लॉय को कितना पेमेंट दे रही है, तो आप क्या है फिर भी सम इफ का यूज करेंगे। या मेल कैंडिडेट को कितना पेमेंट किया जा रहा है तो भी सम इफ लगेगा, सही है। फीमेल को कितना हो रहा है तो भी सम इफ लगेगा। ये तो बहुत छोटी सी सीट है, ये 15 एंट्री दे रखी है। यदि इसमें क्या है 1500 एंट्री भी हो तो सम इफ की सहायता से हम क्या है इस तरह से इसका अलग अलग टोटल प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे 20% बोनस निकालूंगा, तो हमारा सेल कौन सा है? सी। सी क्या? कॉलम। और आपका रो क्या? 3। तो सी सेल एड्रेस हो गया इक्वल टू C3। देख पा रहे हैं आप, ब्लू हो गया इनटू कितने परसेंट दे रहे हैं? 20%। तो 20% काउंट कर लेंगे। आपको एक बार फॉर्मूला लगाना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ड्रैग कर देना है या डबल क्लिक कर देना है। सबका आ गया बोनस, देख पा रहे हैं। अब हम आपको इसी सीट पर सम इफ फंक्शन का यूज करके बता रहे हैं, सही है। हमें छाटना है सिर्फ क्या है, सिटी अलीगढ़। तो यहां पे मैंने टाइप कर लिया सिटी, सिर्फ आपको बताने के लिए कि क्या ढूंढ रहे हैं। और यहां डाल दिया मैंने अलीगढ़, सिर्फ दिखाने के लिए है, यहां से इससे कोई मतलब नहीं है। आपको फंक्शन लगाना है इक्वल टू सम, आप टाइप करेंगे इफ। जैसे आप टाइप करेंगे तो अपने आप आने लगेगा, तो आप क्या है टैब की दबा दें तो ब्रैकेट आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तीन चीज आ रही है, ये इसका सिंटैक्स है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। रेंज में क्या डालना है? जहां से आपको ढूंढना है। तो ढूंढना कहां से है? आपका सेल कौन सा है? सिटी वाला, डी। तो आप डालेंगे कहां से? डी से। या तो आप मैनुअल लिख दें, चाहे आप ड्रैग कर सकते हैं, सही है। चाहे तो आप मैनुअल लिख सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग। तो यहां से लेके यहां तक आपने ड्रैग कर दिया, रेंज आ गई D3 से D17, देख पा रहे हैं आप, सही है। कॉमा, कॉमा लग गया। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या लगाना है? रूल। तो रूल आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं रूल को, जो भी आपको टाइप करना है। तो आपने क्या है यहां पे लिख दिया अलीगढ़, कॉमा, क्या जोड़ना है? सैलरी। तो सैलरी वाले को ड्रैग कर लेंगे आप, सैलरी तो जोड़नी है, अलीगढ़ वाले कितने ले जा रहे हैं, और ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर कर देंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सही है, अलीगढ़ वाले जो सैलरी प्राप्त कर रहे हैं पूरा टोटल अमाउंट स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप। ₹2,44,656 रुपए पे हो रहे हैं, किसको? अलीगढ़ वाले को। नहीं जी, आपको नहीं जी, हमें क्या है आगरा वाला चाहिए। तो आपको क्या है, जो मैंने इनवर्ट कॉमा में लिखा है, फॉर्मूला बार पे देख रहे हैं, यहां पे क्या कर देना है आपको? आगरा कर देना है जी, ये आगरा वाले का टोटल आ गया, देख पा रहे हैं आप, सही है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। अब हमें क्या है, यदि ये तो बात थी सिटी की, सही है, अब हमें यही फॉर्मूला लगाना है किस पे? डेजिग्नेशन, मतलब पोस्ट पर। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू यहां पे क्या है आप लिखेंगे सम इफ, मुझे क्या है मैनेजर वाले जो सैलरी ले जा रहे हैं, मतलब कितनी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं कंपनी से, सिर्फ मैनेजर होगा वो, उनका टोटल चाहिए। तो हम लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट लगा देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेंज फॉर्मूला हमें छोड़ रही है। तो रेंज क्या, जहां से आपको छाटना है, ये हो गया कॉमा, कौन छाटना है? तो आप क्या लिखेंगे इंबेड कॉमा के अंदर, लिख देंगे मैनेजर, इंबेड कॉमा को बंद कर देंगे, कॉमा, क्या जोड़ना है उनका, बोनस जोड़ना है या सैलरी? सैलरी का टोटल चाहिए, मैनेजर वाले कितने ले जा रहे हैं, और ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद, एंटर। देख पा रहे हैं आप, आपकी स्क्रीन पे आ गया है
1,24,300 रुपए ये मैंने लोग ले आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं।